नमस्कार दोस्तों, कामयाबी तक YouTube चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं, कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने की तैयारी कर रही है सरकार। 5 से 7 साल तक के कार्यरत कर्मियों को मिल सकती है इसमें राहत, और DC रेट पर जो इसमें लगा हुआ है वो पक्का हो सकता है। इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, सभी ग्रुपों में शेयर कर दीजिए, ताकि इस वीडियो के बारे में सभी को पता लगे और उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि अब उन्हें पक्का किया जा सकता है। विधानसभा चुनाव से पहले हरियाणा सरकार कच्चे और पक्के कर्मचारियों को लुभाने की कोशिश कर रही है। सरकार ने कच्चे कर्मचारी को पक्का करने के लिए ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। इसके तहत DC रेट पर लगे कर्मचारी को पक्का किया जाना है, जिसका कार्य संतोषजनक है और जो स्वीकृति पद के मुकाबले लगे हुए हैं। अभी सरकार यह तय नहीं कर पाई है कि इस दायरे में 5 साल या 7 साल से कार्यतर को लिया जाए, DC रेट वाले को लिया जाए। इसके लेकर हाई लेवल पर मंथन चल रहा है। संभावना है कि जल्दी सरकार मसौदे को तैयार कर कच्चे कर्मचारी को पक्का करने की पॉलिसी जारी कर सकती है। बता दें कि इससे पहले हरियाणा सरकार पक्के कर्मचारियों कच्चे कर्मचारी के संबंध में सभी विभाग अध्यक्षों से पूरी जानकारी हासिल कर चुकी है। मुख्य सचिव ने पिछले माह ही सभी से खाली पद और भरे हुए पदों को ब्यौरा मांगा था। बाकायदा ग्रुप सी और ग्रुप डी के कच्चे कर्मचारी जिसमें शामिल हैं DC रेट पर एड हॉक पॉलिसी के तहत लगे अनुबंधित कर्मचारी को ब्यौरा लिया गया है। सरकार की मंशा है कि शुरुआत में DC रेट पर लगे कर्मचारी को पक्का किया जाए। अब बात करते हैं कि कितने पद खाली हैं। हरियाणा सरकार में लगभग 1,08,000 से अधिक पद खाली हैं। प्रदेश में कुल स्वीकृति 4.5 लाख पदों की स्वीकृति है, और जिसमें से 2.70 लाख नियमित कर्मचारी कार्य कर रहे हैं। अलग अलग विभागों, निगमों और वार्डों में लगभग 1.18 लाख पद खाली हैं, जिसमें ग्रुप सी और ग्रुप डी के सबसे अधिक पद खाली हैं। प्रदेश में अनुबंध और आधार पर लगाए गए 1.25 लाख कर्मचारी तैनात हैं। लगभग 1.5 लाख ठेकेदार के कर्मचारी को कौशल निगम में समायोजित किया गया है। वहीं अनुबंध के आधार पर काम करने वाले 14,000 से अधिक अतिथि अध्यापक भी शिक्षा विभाग में काम कर रहे हैं। तो बहुत बड़ी खुशखबरी है, कच्चे कर्मचारी को पक्का किया करने की मंशा बना रही है सरकार, मसौदा तैयार कर चुके हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। तो आज सुप्रीम कोर्ट में हरियाणा की हियरिंग होने वाली है। जैसा ही फैसला आएगा तो हम आपको ये वीडियो प्रोवाइड करा देंगे। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। जय हिंद, जय भारत।